सामान कूली के हाथ रख दिया क्योंकि काफी सामान था हाथ में। यहाँ रतलाम से आप होते हुए जा रहे हो तो यहाँ पे रतलाम सेव जरूर लेना, काफी टेस्टी है। सबसे पहले हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गरीब नवाज का भी बहुत रहम करम है कि हमें वो हर साल दिखाऊंगा, बाहर बाहर से दिखाऊंगा, पूरा अंदर से पूरा दिखाने के लिए अभी वक्त नहीं मिलेगा इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों। यही अपना दूसरा वाला गेस्ट हाउस। मैं आज आप लोगों को गेट नंबर 5 से होते हुए दरगाह पूरे चैनल लगेंगे और पूरे चैनल लगने के बाद यहाँ पे ये VIP एंट्री वाली वो बिल्डिंग है जो गेट नंबर 5 पे जो गिरी थी। नमस्ते, इंशाल्लाह कर दूंगा भाई। फेस और फेसबुक, ये फेसबुक पे अभी मैं लाइव हूँ ठंड की वजह से ना, ताकि ऑस नहीं करे ना। वॉट चलो चलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त और भाई अजमेर दरगाह शरीफ खादिम मोहम्मद चिश्ती। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप लोग को पता है मैं मुंबई दरगाह ज्यारतों पर आया था पिछले एक हफ़्ते से, और मैंने आप लोग को काफ़ी दरगाहों की ज्यारत भी करवाई इसी एक हफ़्ते के दौरान। मैं उम्मीद करता हूँ सबसे पहले कि आप लोग को वो सब ब्लॉग्स अच्छे लगे। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को अजमेर दरगाह शरीफ लेके जाऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं निकल चुका हूँ गोरेगांव ईस्ट से और अभी ओबराय मॉल के पास पहुँचने वाला हूँ, और बोरीवली से स्टेशन है बोरीवली ईस्ट से। तो इंशाल्लाह ये स्पेशल ट्रेन है बोरीवली से अजमेर शरीफ के लिए। तो इंशाल्लाह मैं इसी ब्लॉग के अंदर आप लोग को, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग्स में मैंने आप लोग को ट्रेन का रिव्यू दिया था, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही रिव्यू मैं आप लोग को दूंगा ट्रेन का। और इंशाल्लाह अजमेर शरीफ जब आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोग को सस्ता और अच्छा होटल कहाँ मिलेगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा इसी ब्लॉग में। और इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में आखिर जो एंडिंग होगा इंशाल्लाह वो दरगाह शरीफ में होगा, जहाँ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दरगाह शरीफ की मैं आप लोग को ज्यारत और कैसा माहौल है इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। तो आइए इंशाल्लाह फिर चलते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने जो कार से का सामान कूली के हाथ रख दिया क्योंकि काफ़ी सामान था हाथ में। और आपको पता है फैमिली के साथ आप लोग ट्रैवल करते तो आपके पास बहुत ज़्यादा सामान रहता है, बैग्स रहते हैं। अभी हमने बैग्स भी टांगे हुए हमारे कंधों के ऊपर, बच्चे भी है। तो वैसे भाई ने 350 रुपये बोला था, बट हम लोगों ने इनको 200 रुपये में मना लिया, और 200 रुपये के अंदर ये हमें लेके जाएंगे मतलब ये सामान छोड़वाने के लिए, और ठेठ अंदर स्टेशन तक ट्रेन तक छोड़ देंगे। आप ट्रेन तक छोड़ोगे ना, अंदर नहीं छोड़ोगे? वहीं बाहर जाओ, वहीं बाहर जाओ। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने सामान अंदर ट्रेन में रखने से मना कर दिया। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इनसे पहले से क्लियर कर ले क्योंकि ये इन्होंने तो बाहर हमें बोला था कि अंदर तक रखेंगे, बट ये नहीं क्लियर बताया कि कहाँ तक रखेंगे। तो थोड़ा सा ये भी आप क्लियर करेंगे तो आप लोग के लिए सही रहेगा। आप लोग देख सकते हैं बोरीवली स्टेशन, और यहाँ पे ये ट्रेन आएगी 10:07, और हम लोग काफ़ी पहले आ चुके, अभी 9:30 बज रहे, पूरा आधे घंटे से ज़्यादा टाइम का वक्त है अभी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग पहुंच गए हैं रतलाम स्टेशन, और अभी देख सकते हैं आप लोग ये 8:19 हो चुके हैं और सुबह 10 बजे का निकले हुए थे। ये वाली जो ट्रेन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है ये अजमेर पहुंचने के लिए, 16 घंटे के आसपास का टाइम है ये, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इस रूट पे चलने वाली अजमेर मुंबई से अजमेर जो सबसे तेज़ जो ट्रेन है वो लेती है कुछ 14 घंटे 14:45
तो उसके हिसाब से तो ये तो बहुत ज़्यादा 3.5 घंटा लेट है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है ये। और ये वाली जो ट्रेन है इसका जो रूट है वो अलग रूट से चलती है, ये अलग रूट पे चलती है। यहाँ पे रतलाम के अंदर आप लोग को ये जो सेव होता है, सेव सबसे ज़्यादा फेमस होता है, रतलामी सेव। तो अगर आप लोग को कभी यहाँ रतलाम से आप होते हुए जा रहे हो तो यहाँ पे रतलाम सेव ज़रूर लेना, काफ़ी टेस्टी है। वीडियो में बना नहीं पाया लेते वक्त, ये थोड़ा ट्रेन का चलने का वक्त हो गया था, तो इसलिए अभी यहाँ पे देखो आप लोग हर जगह पे आपको ये रतलामी सेव आपको हर जगह पे मिलेगा, ये येलो कलर के जो पैकेट्स है ये रतलामी सेव है। और ये आप लोग को यहाँ पे पूरा रेलवे स्टेशन पे आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अजमेर शरीफ का रेलवे स्टेशन कितना खचाखच भरा रहता है, ये सुबह शाम रात भर पूरा टाइम 24 घंटा यहाँ पे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने आप लोग को बताया मैं निकला था मुंबई से, और मुंबई से होते हुए मैं अजमेर शरीफ पहुंच गया हूं। और मैंने आप लोग को बताया कि मैं अजमेर शरीफ पहुंच के इंशाल्लाह आप लोग को अच्छा अफोर्डेबल सस्ता अच्छा होटल, एसी नॉन एसी वाले जो रूम्स है वो मेरे पापा के मम्मी के जो होटल है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, बाहर से दिखाऊंगा, पूरा अंदर से पूरा दिखाने के लिए अभी वक्त नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में आप लोग के रिक्वेस्ट के ऊपर, अगर आप लोग लिखेंगे कि आप लोग मुझे पूरा व्लॉग बनाए होटल का, तो फिर मैं आप लोग को इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। अभी अभी के लिए हम लोग बाहर से देख लेते हैं, और मैं आप लोग को दरगाह शरीफ भी लेके जाऊंगा। तो ये होटल अमामा इन, ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा भाई डॉक्टर अब्दुल्ला का नंबर और मेरा नंबर मोहम्मद चिश्ती, ये हम दोनों का नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। और अभी यहाँ से होते हुए मैं आप लोगों को माशाल्लाह गेस्ट हाउस में लेके जाऊंगा। तो ये यहाँ से ये बाहर आएंगे गली में, बाहर निकलने के बाद ये दरगाह बाजार आ जाता है, ये वे टू होटल अमामा इन। एक बोर्ड तो यहाँ पे है, एक बोर्ड यहाँ पर है, ये रास्ता जो जाता है कड़क्का चौक के लिए जाता है, और ये वाला जो रास्ता है यहाँ से ये धान मंडी ऑटो स्टैंड के लिए जाता है। आप मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर आप लोग यहाँ से ये होटल अमामा इन से लेके धान मंडी ऑटो स्टैंड तक पहुँचने के लिए आपको मुश्किल आपको सिर्फ 30 सेकंड्स लगेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अजमेर शरीफ लौट चुका हूँ, और मैंने आप लोग को दरगाह ज़ियारत करवाई, उसके बारे में अभी बात करूँगा मैं आपसे। पहले मैं आप लोग को माशाल्लाह मुहिबा गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ, अपना दूसरा गेस्ट हाउस, पहले था होटल अमामा इन, ये धान मंडी ऑटो स्टैंड है, ये देख लीजिए, ये पूरा जो चौक है ये, इसको धान मंडी ऑटो स्टैंड बोलते हैं। सामने गेट नंबर 1 है, ये देख लीजिए, यहाँ से आप सीधा सीधा आओगे तो ये ऑटो स्टैंड से आप यहाँ से गायत्री ट्रैवल से इस गली से 30 सेकंड पे मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग को होटल अमामा इन कैसे पहुँचना है। मेरा और मेरे भाई का नंबर डिस्प्ले पे स्क्रीन पे रख दूंगा अभी, तो आप लोग को कभी बुकिंग्स कराना हो तो आप मेरे ज़रिए से, मेरे भाई के ज़रिए से, दोनों से आप किसी से भी करा सकते हैं। तो ये आप दरगाह बाज़ार की तरफ आप चलते जाएंगे ना, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि अपना दूसरा वाला जो गेस्ट हाउस है वो कहाँ पड़ता है। और ये नया नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। यहाँ पे अजमेर शरीफ में मेरे प्यारे भाई और बहनों काफ़ी ठंड हो चुकी है, कल रात तक कुछ 6 या 7 डिग्री तक चला गया था कल रात को, और अभी ये जनवरी का जस्ट अभी शुरुआती दिन है। तो ये देखिए, ये गेट नंबर 1 की तरफ अपन चले तो ये आपको यहाँ पे ये वाला होटल दिखेगा, सुकून इन रेस्टोरेंट। सुकून इन एक आगे भी है, ये दूसरा वाला सुकून इन रेस्टोरेंट, ये KGN परफ्यूम है,
तो इसके पास वाली गली में और ये हमारे भाई है, काफी सालों से यहाँ पे भजिया बेचते हैं। और भाई कैसे हो? तो ये वाले आपको ये गली के अंदर आपको अंदर जाना अपने माशाल्लाह गेस्ट हाउस में जाने के लिए। ये देखिए ये यहाँ पे ये काफी सालों से ये यहाँ पे लगाते, कम से कम 15-20 साल तो हो गए इनको यहाँ पे लगाते हुए। और अपने पड़ोसी भी है पीछे रहते माशाल्लाह गेस्ट हाउस के पीछे। और भाई कैसे हो? यही हमारे भजिया वाले भाई, बहुत सालों से यहाँ पे भजिया बेच रहे। और मैं बस वही दिखा रहा था कि ये भजिया वाले काउंटर से सीधा अंदर जाना तो अपना गेस्ट हाउस में पहुँच जाएंगे। तो ये आप यहाँ से सीधा सीधा जाएंगे तो ये माशाल्लाह मुहिबा हाउस, यही है अपना दूसरा वाला गेस्ट हाउस। अभी तो मैं आप लोग को सिर्फ बाहर से दिखा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे अपना काउंटर है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे रूम से 4 नंबर रूम है, ऊपर जाने का रास्ता है, अंडरग्राउंड है। इंशाल्लाह मैं किसी दिन आप लोग के रिक्वेस्ट के ऊपर, जैसे मैंने आप लोग को बोला आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये ब्लॉग बनाओ कि पूरा होटल और गेस्ट हाउस का, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए मैं बनाऊँगा, तफसील से बनाऊंगा इंशाल्लाह। और अभी और कालू भाई, हमारे कालू भाई यहाँ पे हमारे जस्ट सामने यहाँ पे चाय बेचते। चलिए कालू भाई मिलता हूँ। तो यहाँ से अभी हम लोग निकलते हैं अजमेर शरीफ दरगाह में, आप लोग को लेके चलता हूँ। अभी टाइम हो चुका है 5:20 और दरगाह की ओर लेके चलता हूँ आप लोग को, मैं ज़्यारत करवा देता हूँ। और कैसा मंजर है, नज़ारा है, माहौल है दरगाह बाज़ार का वो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये आप लोग देखिए यहाँ पे मेरे पीछे, ये सुकून इन रेस्टोरेंट गली के अंदर, ये 1 नंबर गेट, मुश्किल से दरगाह से 4-5 मिनट वॉकिंग। और ये होटल आमिर के सामने वाली गली, तो मैंने आप लोग को काफ़ी लैंडमार्क बता दिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इंशाल्लाह जैसे मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग्स में, मैंने जब अजमेर शरीफ में था तब मैं आप लोगों को गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 की ज़्यारत से मैं आप लोगों को लेके गया था दरबार के अंदर। तो इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को गेट नंबर 5 से होते हुए दरगाह शरीफ में लेके जाऊँगा। और वहाँ पर गेट नंबर 5 पर अभी 1 हफ्ते पहले कोई एक बिल्डिंग गिरी थी, तो अभी मुझे पता नहीं कि वो गेट नंबर 5 खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि उस वक्त वो गेट बंद कर दिया गया था। वहाँ उस तरफ जितने भी गेट थे वो सब गेटों को बंद कर दिया गया था जी। तो आप लोग को मैं लेके चलता हूँ, ज़्यारत पे भी लेके चलता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी हरे हरे पट्टियाँ हैं, ये देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जितने भी एंगल्स हैं ना, ये उर्स के टाइम पे यहाँ पे पूरे चैनल लगेंगे। और पूरे चैनल लगने के बाद यहाँ पे ये VIP एंट्री हो जाएगा, तो मेहमानों को जाने का उर्स के टाइम पर यहाँ से होगा और रिटर्न का ये साइड से होगा। और जितने भी खादिम हजरात हैं और जितने भी पुलिस कर्मी हैं, जितने भी VIP लोग आई हैं, उन लोग के लिए ये चैनल, ये वाला बीच वाला रहेगा उसके टाइम पे। तो हमारे लिए थोड़ा सुकून तो रहता है उसके टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे पूरा पैक हो जाता है वो टाइम पे। तो आई आप लोग को ज़्यारत करा देता हूँ रोशनी के टाइम पे, अभी लेके चलता हूँ दरबार के अंदर। और ये आप लोग देख सकते हैं ये गेट नंबर 1 है दरबार गरीब नवाज के अंदर, जिसे निज़ाम गेट के नाम से बोला जाता है। तो ये गेट नंबर 1 है, जैसे मैंने आप लोग को बताया मैं गेट नंबर 5 से होते हुए आप लोग को मैं लेके जाऊंगा दरबार में। भाई गेट नंबर 5 खुला है, तो ये गेट नंबर 5 जो है खुला हुआ है। इंशाल्लाह आप लोग को, जैसे मैंने आप लोग को बताया, मैं आप लोग को वहीं से लेके जाऊंगा दरबार के अंदर में, आप लोग को ज़्यारत करवाऊंगा।
ये यहाँ से लेफ्ट मारते राइट आप लेंगे सबसे पहला तो ये लंगर खाना गली है, जैसे मैंने आप लोग को पूरे पिछले व्लॉग्स में मैंने सब में बताया। और मैंने आप लोगों को मुंबई निकलने से पहले मैंने आप लोग को सब जितने भी गेट हैं उन सब से मैंने आप लोग को ज़्यारत करवाई, दरबार के अंदर लेके गया मैं। चलो भाई और ये वाली जो गली है ना यहाँ की, ये लंगर खाना गली है, बहुत फेमस गली है यहाँ की। यहाँ पे जितने भी खाने पीने का है सब गरीब नवाज रेस्टोरेंट है, माशाल्लाह रेस्टोरेंट है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे सब रेस्टोरेंट है। और ये गेट नंबर 3 मैंने आप लोग को ज़्यारत कराई गेट नंबर 3 से पिछली बार, तो अभी होते हुए गेट नंबर 3 फिर 4 से तो मैंने आप लोग को ज़्यारत करवा दी, 5 नंबर गेट से होते हुए इंशाल्लाह आज दरबार के अंदर जाएंगे। और इंशाल्लाह रोशनी की दुआ भी हमें मिलेगी, रोशनी की दुआ के टाइम आयो तो इंशाल्लाह रोशनी की दुआ भी आप लोग को सुनाऊंगा। यहाँ पे सब रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट, पूरा गली आपको यहाँ पे खाने पीने के लिए मिल जाएगा इसके अंदर, तो आइए चलते हैं। तो हमारे खादिम भाई गेट नंबर 1 पे खड़े थे, उनसे हमने पूछ लिया था कि गेट नंबर 5 खुला है कि नहीं, तो उन्होंने बोला खोल लिया। और अजहर भाई कैसे हो, खैरियत? तो ये गेट नंबर 4 है सामने वाला, माफ करना, ये गेट नंबर 4 है। और यहाँ से मैंने आप लोग को पिछली बार ज़्यारत करा चुका हूँ, ये गेट नंबर 5। और यहाँ पे जो बिल्डिंग गिरी थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी और 15-20 दिन पहले ही इसे खाली करा दिया गया था। और कैसे हो भाई, खैरियत? ये देखिए ये वाली वो बिल्डिंग है जो गेट नंबर 5 पे जो गिरी थी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये गेट नंबर 5 है, तो मैं आप लोगों को गेट नंबर 5 से होते हुए दरबारे गरीब नवाज में लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। और माशाल्लाह मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ अभी अजमेर के अंदर, पिछले एक हफ्ते से मैं। अमीनू भाई कैसे भाई, हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे यहाँ दरगाह के, अमीनू भाई चलो भाई। तो इंशाल्लाह अभी आप लोग कव्वाली सुन ले पहले तो, और ये लोग आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने आप लोग को दरगाह बाज़ार में बताया कैसे तैयारी हो रही है दरगाह बाज़ार में, दरगाह बाज़ार के अंदर कैसी तैयारी हो रही है वो मैंने आप लोग को बताया। और ये माशाल्लाह गुम्बद को सजाने के लिए शुरुआत हो चुकी काफ़ी दिनों से, यहाँ पे मेरे आने से पहले यहाँ शुरुआत हो चुकी थी। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कव्वाली होते हुए मैं आप लोग को सुना देता हूँ। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी रोशनी का वक्त भी होने वाला है,
तो इसलिए ये वाला जो VIP गेट है, जिससे मेहमान जो अपने खादिम हजरात के साथ जाते हैं दरबार में, तो आप अपने खादिमों के साथ अंदर जाते हो, तो ये वाला जो गेट होता है इससे आप अंदर जाते और बहुत आसानी होती है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग जब अपने खादिमों के साथ दरबार में जाते हैं ज़्यारत के लिए, तो माशाल्लाह बहुत सुकून से ये वाला जो गेट होता है ना, आप कभी जाएँ अपने खादिमों के साथ जाएँ, आपको पता चलेगा और जो जाते हैं उनको पता होगा कि ये वाला जो गेट है माशाल्लाह बहुत सुकून से यहाँ से ज़्यारत हो जाती है, कदम बोसी हो जाती है। ये जन्नती दरवाज़ा है, देखिए ये जन्नती। अस्सलाम वालेकुम। और हज़रत कैसे हैं आप? खैरियत। ये जन्नती दरवाज़ा है, यहाँ पे जितने भी धागे हैं सब मन्नतों के बांधे जाते हैं, और तैयारी में आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग, यहाँ पे माशाल्लाह तैयारियाँ दरबारे गरीब नवाज में शुरू हो चुकी है काफ़ी हद तक, और थोड़े दिन में ही इंशाल्लाह झंडा जो है चढ़ेगा वहाँ पे बुलंद दरवाजे पे, तो इंशाल्लाह मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप जितने भी व्लॉग्स बनेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी व्लॉग्स बनेंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ दरबार गरीब नवाज से, और डेली के डेली मैं आप लोगों तक मैं व्लॉग्स यहाँ से पहुँचाऊँ। तो इंशाल्लाह काफ़ी लाखों लोग तो पहुँच नहीं पाते, वैसे करोड़ों लोगों की तादाद यहाँ पर पहुँच जाती है उसके टाइम, बट और भी कई लाखों लोग हैं जो नहीं आ पाते, तो इंशाल्लाह मेरे चैनल के ज़रिए मैं आप लोगों को सबको मैं ज़्यारतें करवाऊँगा दरबार गरीब नवाज के अंदर। और इंशाल्लाह अभी तो अभी रोशनी का वक्त भी होने वाला है, तो इंशाल्लाह रोशनी में अभी हम लोग शामिल होंगे इंशाल्लाह, और रोशनी की दुआ भी मैं आप लोग को सबको सुनाऊंगा, और फिर उसके बाद जो ब्लॉग है वो जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोशनी का वक्त हो चुका है और अभी रोशनी की दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह। रोशनी की दुआ के बाद इंशाल्लाह हमारे भाई है बरेली से आए हैं ज़्यारत पे, हसन भाई और उन और डॉक्टर साहब और उनके पूरा ग्रुप है, नौमान है और जितने भी उनके भाई है हमारे भाई है सब, उनको इंशाल्लाह दरबार में अभी ज़्यारत करवाएंगे। ज़्यारत कराने के बाद इंशाल्लाह उनसे थोड़ी बातचीत भी करेंगे उनसे भी। तेरा दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया है नई सुबह शाम या ख्वाजा, न फिक्र में न गम जाम तेरे मस्तों को, तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, तेरी एक निगाह से चलता है काम या ख्वाजा, नजरे करम अता फरमाइए गरीब नवाज। तो अभी इंशाल्लाह हम लोग बस इंतज़ार में हैं रोशनी की दुआ शुरू होने के लिए, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त काफ़ी लोग हैं जो अभी खड़े हैं, अभी सब दुआएं इल्तिजाएं अल्लाह से कर रहे हैं। हुजूर गरीब नवाज के सदके तुफैल में ये वो बारगाह है गरीब नवाज है, जहाँ पे कोई भी दुआएं हैं रद्द नहीं होती है, जितनी भी इल्तिजाएं हैं कभी रद्द नहीं होती है माशाल्लाह। इलाही ताबुवत खुर्शीद व माही, चिरागे चिश्तियार रोशन है।
बगिरदाब बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक खा जाए उस्मान हरवनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती भक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैं अभी अजमेर दरगाह शरीफ में हूँ और मैं आप लोग को अभी दरगाह शरीफ का मैं ज़्यारत करा रहा हूँ। इसी दौरान हमने अभी हमारे भाई और उनके पूरे ग्रुप को पूरा ज़्यारत कराई अजमेर शरीफ में। और हम लोग जब लास्ट टाइम मिले थे बरेली शरीफ में, तो जब हम लोग दरगाह ज़्यारतों पर गए थे तो हसन भाई ने हमें 5-6 दरगाहों की वहाँ ज़्यारतें करवाई और फिर हम लोगों ने ब्लॉग भी शूट किया था। तो हसन भाई पूरे ब्लॉग्स में थे, अगर आप लोगों ने अभी तक देखे नहीं वो ब्लॉग्स यूपी के अंदर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई से हमारे। हाँ हसन भाई जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सब हम आशिक गरीब नवाज हैं आज यहाँ इनके। सबसे पहले हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है, गरीब नवाज का भी बहुत रहम करम है कि हमें वो हर साल हम आशिक गरीब नवाज हैं वो हमें बुलाते हैं। और खादिम मोहम्मद चिश्ती भाई हमारे घर के बिल्कुल भाई हैं, माशाल्लाह भाई ने ज़्यारत कराई है, बहुत ही अच्छी ज़्यारत हुई है, कदम पोछी हुई है पूरी सुकून के साथ। गरीब नवाज का दरबार ऐसा है, हर आदमी को यहाँ पर सुकून मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सब हमारे जो इंसान जो बुरा दिल लेकर आता है सबको आए हुए हैं, सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह जगह से हैं, सब लोग उत्तराखंड से। ज़्यारतें तो बहुत बार करी हैं लेकिन जो ज़्यारत आज हुई इससे अच्छी कभी ज़्यारत नहीं हुई। आज सबसे आज सबसे अच्छी ज़्यारत हुई है, ज़्यारत आज हुई है बार में, सबसे अच्छी ज़्यारत हुई है मोहम्मद भाई के साथ। हम आपके लिए अच्छा लगा है भाई ने, दुआ करिए सब लोगों के लिए, आप लोग के लिए इंशाल्लाह खास दुआएं करेंगे। उसका असर अभी से महसूस होने लगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी ज़बान से निकली हुई बात जो है और जितनी भी दुआएं इंशाल्लाह इल्तिजाए सब कबूल व मकबूल करे ख्वाजा बाबा। हाँ तो ये वाला जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फॉलो कर देता आपको, सब्सक्राइब कर देता जी, फॉलो बैक मिलेगा क्या बड़े भाई? कर देंगे भाई, आपके लिए भी दुआएं करेंगे दरबार में इंशाल्लाह। ख्वाजा बाबा आपका इंशाल्लाह आपको बेड़ा पार कर दे ख्वाजा बाबा। हाँ ख्वाजा नहीं खादिम मोहम्मद चिश्ती, KHADIM खादिम MO, ये दूसरा वाला आया, ये इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लो, सब्सक्राइब ऑन कर लो नेट नोटिफिकेशन को। अब आपको जितने भी अपडेट्स है वो सारे दरबारी गरीब नवाज से इंशाल्लाह कर दूंगा भाई। फैज़ान नोडी, ओके भाई। तो ये मैंने आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जो है मैंने आप लोग को दिखाया, जो मेरा पेज है। माशाल्लाह दरबार गरीब नवाज के अंदर तो आप जब भी आओगे आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ नूर ही नूर है यहाँ पे, मतलब नूरानी मंजर है माशाल्लाह। मैं हम लोग तो इधर ही रहते हैं, हम लोग जितनी बार आते हैं दरबार में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे सिर्फ नूर ही नूर दिखता है, नूर ही नूर दरगाह के अंदर माशाल्लाह। मतलब अलग ही वो एक कशमकश है, अलग ही फीलिंग है दरबार गरीब नवाज में आने के बाद। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, KHWAJAMOINUDDINCHISHTY, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक, ये फेसबुक पे अभी मैं लाइव हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ये लोग अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये ऊपर का जो कवरिंग है ठंड की वजह से, ताकि ओस नहीं पड़े रात के टाइम शाम के टाइम, इसको यहाँ पे अभी कवर कर दिया जाता है ठंडी के वक्त में भी। और ये वैसे गर्मियों के लिए बनाया गया है, गर्मियों के टाइम के लिए। आप लोग को मैं दिखा देता हूँ इसको खींचने का तरीका कैसे होता है, आप ये लोग देखिए। हाँ मोहम्मद हबीब भाई हमारे यहाँ पे दरगाह कमेटी के, ये आप लोग देखिए ये तरीका होता है यहाँ पे ये इसको खींचने का। फिर खींचने के बाद इसको क्या बांधोगे इधर ना, इसको यहाँ पे लपेट देंगे। ये देखिए ये तरीका होता है यहाँ पे इसको ऐसा पूरा
इसको कवर करने के लिए। ये इसके लिए क्या रीज़न है? ठंड की वजह से ना, ताकि ओस नहीं करे ना, वॉट गीली हो जाती, पब्लिक बैठी रहती, जायरीन वगैरह उनको तकलीफ ना हो। सही, अच्छा है। वैसे तो अपन गर्मियों में इसको यूज़ करते हैं, तो जुम्मे की नमाज के टाइम पे या दिन की नमाज के टाइम पे। जी, नमाज के टाइम। तो आप ही इसको लगाते हो, बंद हटाते हो, करते हो? आपकी ड्यूटी है यहाँ पे लगी हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद हबीब भाई। ये हमारे भाई हैं, यहाँ पे काफ़ी मेहनती आदमी है माशाल्लाह, दरबार में हमेशा काम करते हुए आपको दिखेंगे यहाँ पे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह नमाज के बाद। तो ये अभी हमारे फिरोज भाई है, होटल अमामा में रुके हुए सब हमारे भाई, होटल अमामा इन 301 में ना आप लोग 301 रूम में रुके हुए, और इन्होंने अभी ये चादर और सब फूल लिए। इन्होंने सब 13 लोग रुके अपने हॉल के अंदर, बड़ा हॉल है। और यही व्लॉग के अंदर मैंने आप लोग को बताया है, होटल अमामा का मैंने आप लोग को बाहर से दिखाया है। तो आइए इन लोग को, हाँ खोल लो, चलेगा, खोल लो, पूरा खोल लो। तो ये हमारे फिरोज भाई और पूरी फैमिली ने हमारे साथ ज्यारत करी, अपने होटल अमामा में रुके हुए हैं सब। कैसा लगा आपको ज्यारत? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छी ज्यारत हुई, बहुत सब कुछ अच्छा जी जी बहुत अच्छी जी इंशाल्लाह। रुखसती के दिन आगे मिलना, हमारा मोहम्मद भाई का कॉन्टेक्ट नंबर ले लो,
हम लोग रात को 3 बजे आए, मोहम्मद भाई ने अपने बंदे भेजे हमको घर पे लेके आए, सही सलामत रखे, सर्विस भी अच्छी है। चलिए फिर इंशाल्लाह रुखसती के दिन भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो ये हमारे भाई जान फिरोज भाई मुंबई से, पूरी फैमिली हम लोग इन सबको ज्यारत करवाई। आइए फिरोज भाई, सोनू भाई, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही दरगाह ब्लॉग्स के साथ इंशाल्लाह मैं आप सबसे बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम।